आज का दिन किसानों के लिए अहम हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान अगर मामले का समाधान और निपटारा चाहते हैं तो कमिटी के सामने पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि हम कृषि कानून को सशर्त सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन मामले के समाधान के लिए कमिटी बनाना चाहते हैं। कमिटी मध्यस्थता नहीं, सभी मुद्दों पर विचार करेगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों से बात, आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन शामिल है या नहीं, इस पर हलफनामा दायर करे। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेन बहादुर सिंह हमारे साथ किसानों के बीच से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, ये जो हलफनामे की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, दरअसल इस हलफनामे में प्रतिबंधित संगठनों को लेकर ये कहा गया है कि आप जानकारी दें। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी स्पष्टीकरण, कोई भी ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं है जो ये इंगित करते हो या इशारा करते हो कि वहां पर प्रतिबंधित संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हलफनामा एक टेढ़ी खीर सरकार के लिए? सरकार के लिए टेढ़ी खीर तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अंदर खाने चल रही हैं वहां पर, उसके बारे में जानकारी तो थी, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें आई हैं। तो सरकार ने और अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल हवा में तो ये बात नहीं कही होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इनके पास साक्ष्य और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो वो सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आगे वो हलफनामे के तौर पर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चिंता की बात है, और इन्होंने कहा है कि वो सारे जाहिर है कि खुफिया एजेंसियां कुछ न कुछ चीजें जरूर उनके पास कुछ सुराग और सबूत हाथ लगे होंगे, तभी ये बातें कही जा रही है। आम जनता के बीच तो ये बातें बहुत दिनों से ये चल रही हैं कि वहां असलाह भी है, वहां पर हथियार भी इकट्ठा किए हुए हैं, और वहां निहंग भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खेती किसानी से बहुत रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करने वहां आए हैं। लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसियों के पास कुछ न कुछ तो ऐसी खुफिया जानकारी है जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें रखी हैं। तो जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत टेढ़ी खीर होगी, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो मामले सबको खुश करने के लिए कमेटी नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ समस्या के समाधान के लिए कमेटी बना रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कमेटी में कौन शामिल होगा कौन नहीं। एपी सिंह की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, ऐसे तो हम सबसे बड़े किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोर्ट ने कहा आपके पास कितने किसान हैं, इन्होंने कहा 10,000। तभी एडवोकेट आशीष ने कहा कि और हमारे किसान संगठनों में 40 लाख से ज्यादा लोग समर्थक हैं और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो सारे ही संगठन लाखों किसानों के समर्थन का दावा करते हैं और ऐसे तो संख्या देश की आबादी से भी ज्यादा पहुंच जाएगी, लेकिन ये बात अलग है। कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि कमेटी बनेगी, और अभी मुझे लग रहा कोर्ट जिस तरह से कल से लगातार उन कानूनों को होल्ड करने की बात कर रहा, उन पर अमल को होल्ड करने की बात कर रहा है, तो इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि होल्ड भी हो सकता है। और इसके साथ ये भी कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट विकास सिंह की मांग पर कि दिल्ली में प्रदर्शन कहाँ करना चाहते हैं, उन्होंने कहा रामलीला मैदान दिया जा सकता है क्योंकि वहां पर जगह कम है और उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, ऐसी जगह हो जहां पर सुरक्षा भी हो और सोशल डिस्टेंसिंग भी हो। कोर्ट ने उनसे कहा कि आप ठीक है, इस बारे में भी आप बताएं और हम इस पर भी देखेंगे। फिलहाल कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, सबको इंतजार है कोर्ट के ऑर्डर का। कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, कमेटी में कौन कौन होगा, क्योंकि एडवोकेट एपी सिंह ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जस्टिस मार्कंडे काटजू या जस्टिस कुरियन जोसेफ, उनको बना दिया जाए, इस कमेटी में शामिल किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब वो तय करेंगे कि आखिर कमेटी में कौन शामिल होगा कौन नहीं, और कमेटी सिर्फ मध्यस्थता की बात नहीं करेगी बल्कि इस पूरे मामले को समग्र रूप से देखेगी और इसमें सारे पक्षकारों से बात करेगी सारी चीजें, ताकि एक सर्वमान्य हल निकल कर सामने आए। संजय, क्या माने कि कोर्ट के ऑर्डर में वक्त लग सकता है, क्योंकि जिरह में भी काफी वक्त लग रहा है और इस बात की जो समीक्षा की जा रही है कि इस कमेटी में कौन होगा या कौन नहीं, इस पर भी कोर्ट फैसला लेगा, ऐसे में प्रोसीडिंग लंबी चल सकती है, अभी जल्द इसका समाधान नहीं निकला वाला? हमारी संवाददाता अनिशा माथुर ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है और एक कमेटी के गठन की घोषणा की है। कमेटी के गठन, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें ये पता चल जाएगा कि कमेटी में कौन कौन शामिल हैं कौन नहीं और उसको हेड कौन कर रहे हैं। चूंकि कल कोर्ट ने अपनी तरफ से जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस लोढ़ा का नाम लिया था और इस पर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखी थी, उन्होंने कहा कि हम आपको और विचार करके बताएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अमल पर रोक लगा दी है और साथ ही कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। कमेटी के सदस्यों का अभी थोड़ी देर में खुलासा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आप जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस पर डिटेल ऑर्डर बाद में आएगा, लेकिन ये कैसे तय किया जाएगा कि इस कमिटी का रिप्रेजेंटेटिव किसानों की तरफ से कौन होगा? क्योंकि आप खुद ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो चाहते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, और ऐसे में ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में सबको वहां पर मौका मिले बोलने का, अपनी बात रखने का, ये कैसे संभव हो पाएगा? लेकिन कोर्ट इसमें चार सदस्य होंगे कमेटी में, उसी में अध्यक्ष होंगे। चार सदस्य कमेटी का ऐलान कर दिया है और उसके सदस्यों का खुलासा बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन तीनों कानूनों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इनके अमल पर रोक लगा दी गई है। यानी एक किसानों को कोर्ट पहले भी कह रहा था कि सरकार अगर इनके अमल पर रोक को थोड़े दिनों के लिए मुलतवी कर दे तो किसानों से सरल, सहज और सुगम ढंग से बातचीत हो सकती है, फिर सारे लोग बिल्कुल किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में अब कोर्ट ने रोक तो लगा दी है, जल्द ही शीघ्र ही पता चल जाएगा कि कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले ही ये कह दिया था कि वो अब कोर्ट तय करेगा कि इसमें कौन शामिल होंगे और कौन नहीं। तो मुझे भी इतनी ही उत्सुकता है कि कमेटी के सदस्यों के नाम सामने आ जाएं, या हो सकता है कि कोर्ट जब डिटेल ऑर्डर पास करे तो उसमें कमेटी के सदस्यों के नाम होंगे, लेकिन चार सदस्यीय कमेटी होगी ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। और क्योंकि संजय बार बार कमेटी की बात सामने आ रही है, ऐसे में जो अगले दौर की बातचीत है उस पर सबकी नजर टिकी हुई है, अब इस बातचीत की जरूरत रह भी गई है या नहीं? बिल्कुल बातचीत की जरूरत है, क्योंकि मामला वहीं पर ही फंसा पड़ा है, गियर ऐसा फंसा है कि वो निकल नहीं रहा। तो ऐसे में कोई एक, मुझे भी ये लग रहा है, कोई एक ऐसी निरपेक्ष पार्टी होनी चाहिए, कोई एक कमेटी होनी चाहिए जो दोनों पक्ष से बात करे, क्योंकि दोनों पक्ष अड़े हुए थे। केंद्र सरकार ये अड़ी थी कि अपनी कसौटी पर, सरकार अपनी कसौटी पर इन कानूनों को कसते हुए कह रही थी हमारे कानून तो 24 कैरेट खरे हैं, किसान अपनी कसौटी पर इसे कस रहे थे, और वो किसान जो देश के अधिकतर किसान या तो उदासीन है इसे लेकर, या फिर वो किसान समर्थन में है बिल के, लेकिन जो लोग खिलाफ हैं वो अपनी कसौटी पर कस रहे हैं, और दिल्ली के बॉर्डर पर जो तैनात हैं उनका ये कहना है कि हमारी कसौटी पर तो ये कानून बिल्कुल ही खोटे हैं। तो ऐसे में कोई एक ऐसी कमेटी, निरपेक्ष कमेटी हो जो अपने बुद्धिमत्ता से, विवेक से, सारे लोगों से बात करके, उन किसानों से भी बात करके जो किसान यहाँ प्रदर्शन में नहीं आए हैं लेकिन उनकी बिल पर अलग राय है, इन पर अलग राय है, तो जाहिर है कि उससे एक चीज सामने आएगी। और सबसे बड़ा रोड़ा जो अटकाव था, भटकाव था, लटकाव था कि सरकार ये अड़ रही थी कि हम इनको वापस नहीं लेंगे, लेकिन कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला कि ना वापस हो और ना वो लागू रहे। कोर्ट के अगले आदेश तक इन तीनों कानूनों पर अमल को लेकर कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी अमल को मुलतवी कर दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कोर्ट का रुख है, और इसमें अब ये देखा जाए कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या कोर्ट अपनी तरफ से जस्टिस लोढ़ा का नाम कल जो प्रस्तावित किया था, क्या उन्हीं की अगुवाई में कमेटी होगी या फिर कोई और लोग होंगे। हाँ, ये कमेटी के सदस्यों के नाम आ गए हैं, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और एक और अन्य कमेटी के सदस्यों के, ये तीन लोगों के नाम सामने आए हैं। तो इसमें ये देखा जाए, अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, ये सारे लोग ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। किसानों की जीत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित है। और भारतीय किसानों के, जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। जो किसान संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे वो तो आए ही नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे, इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के
किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है, ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से जो पार्टी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे, जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। और वकील साहब ये बताइए, वो सरकार बताएगी 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं, आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहां बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए, तो आपको उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इस आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है, मैंने कहा इस जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं दे कर सकते, ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, सब झूठ साबित हो गया, झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है, कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे, किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। हाँ वो बैठ, अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, हमने ये भी, हाँ दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। हिंसा क्यों होगी, किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहाँ से करेंगे, वो तो आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने वाले कभी हिंसा हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है, गांधी जी हमारे देश के। तो कोर्ट के इस फैसले पर किसानों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, सुनिए। खड़े तो हमारा एक भी स्टेट नहीं माना जाएगा, ये आकलन सरकार का मनमाना चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये कर्नाटक का, ये तो कर्नाटक के किसान समझेंगे ना कि सरकार ने तो इनकी उनकी इंसल्ट कर दी, कि पूरा कर्नाटक हमारे पक्ष में है जबकि पूरा कर्नाटक विरोध में है। ये तो कर्नाटक का किसान में उबाल आएगा। अभी एक जो लॉयर है उन्होंने कहा कि कुछ किसान ये चाहते कि एक प्रोमिनेंट जगह हो जहां पर कि किसान आंदोलन कर सके, ऐसी बातें भी आ रही। हालांकि इसमें सीजीआई ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है रामलीला मैदान या अन्य जगह पर प्रोटेस्ट की अनुमति देंगे नहीं देंगे, क्या प्रोटेस्ट के लिए किसी जगह को लेकर भी आप लोगों की बात चल रही है? नहीं, बढ़िया जगह है, हमें कोई जगह की जरूरत ही नहीं है भाई। जगह तो तब दी जाती है जब जगह मिली ना हो, जगह ठीक है, दिक्कत भी नहीं है।
हम लोग यहाँ हैं, रोड खोले हुए हैं और हमारे जो संगठन है वो दिल्ली से कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 60 किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बातें हुई है लेकिन जो अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो यही है कि कानून पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया, कमेटी बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है। अब आप लोगों की तरफ से जो एकदम जो रिप्लाई है सही मायने में जो सटीक आप कह रहे हैं कि आएगी निकल के, कब तक उम्मीद कर सकते हैं? हम इस उम्मीद से आए हैं कि किसानों को कानूनों को रद्द किया जाए और MSP पे कानून बनाया जाए, ये आना चाहिए। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले संजय आपका रुख करते हो क्योंकि लगातार आप प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए हैं। एक बात जो यहां पर साफ तौर पर एपी सिंह ने कही कि खालिस्तानी एलिमेंट्स है ही नहीं, उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि झूठ प्रूव हो गया है कोर्ट में, ये तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इन्होंने तो ये ऐलान कर दिया था कि सरकार हार गई हम जीत गए। अरे कमेटी, इनको कमेटी के सदस्यों के नाम अभी तक पता नहीं है, पहले ही कोर्ट से निकल कर आ गए बाइट देने को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कमेटी जब घोषित हो गई है और किसान संगठनों से कोर्ट ने अपील की है कि वो कमेटी के सामने पेश हों, कमेटी के सामने अपनी बात रखें ताकि कमेटी कोई सर्वमान्य हल निकाल सके, तो जाहिर है कि कोर्ट ने अपनी मंशा साफ कर दी। और जो कल से हम ये लगातार बता रहे थे कि कोर्ट के रुख को देखते हुए लग रहा है कि कोर्ट सभी लोगों की बात सुनने के बाद इन तीनों कानूनों को होल्ड पर डालेगा ताकि सरल, सहज और सुगम तरीके से किसानों और सरकार के बीच बात हो, इन तीनों कानूनों पर बात हो। जिनको समर्थन में चीजें लग रही हैं वो कमेटी को समर्थन की बातें बताएं और जिनको इन कानूनों में खामियां लग रही हैं वो खामियों की ओर इशारा करें, वो बताएं कि कहां खामियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन उपायों पर भी बात होगी। यानी कुल मिलाकर कमेटी बनने की बात भी हम कल से ही कह रहे थे वो भी सही हुई और तीनों कानून होल्ड पे गए वो भी सही। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह इस बीच किसानों के पास ही मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या प्रतिक्रिया है किसानों के बीच, क्योंकि एक तरफ तो तीनों कानून पर रोक लगा दी है अगले ऑर्डर आने तक, किसान कमेटी को भी किसान की बात मानने के लिए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास इतना समय नहीं होता कि पॉइंट वाइज पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट पे डिस्कशन करें, तो ये डिस्कशन कमेटी करेगी और कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। हम कहीं चले नहीं गए, आप कहीं नहीं चले गए, सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर अपनी बात। जनवरी को लेकर के जो ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया है किसानों ने, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत साफ कर दिया, 26 जनवरी सब मनाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, क्योंकि किसान कह रहे कि हम ट्रैक्टर लेके अंदर आएंगे, ये एक बड़ा मसला है। 26 जनवरी सब मनाएंगे और सबको मनाना चाहिए, सब मनाएंगे, शांतिपूर्वक मनाएं। एपी सिंह, ही इज द एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द भारतीय किसान यूनियन, इज सेइंग इज वेलकमिंग दिस। एपी सिंह को सुन रहे थे आप, ये किसानों का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे, लेकिन कमेटी का गठन किया जाएगा ये बात स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, जिसमें 4 सदस्य होंगे। उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल होने वाला है। कि किसानों ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है कि वो वहीं पर धरना करेंगे जहां पर अभी तक करते आ रहे हैं, कोई अलग से अगर जगह निर्धारित की जाती है तो वहां पर नहीं जाने का मन बना चुके हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत है के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है कि कानूनों के अमल को फिलहाल रोक दिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, उन्होंने रोक दिया है, हमारी कमेटी है, हम उसमें बातचीत करेंगे वहां पे और उसके बाद ही हम पूर्ण रूप से कोई इस पे जवाब देंगे। जो लीगल में है उनसे बातचीत हम करेंगे, उनसे हमारी डिमांड ये थी कि ये कानून वापसी हो, हमारी स्टे की तो बात थी नहीं हमारी। तो अब क्या, अगर कानून वापसी नहीं है तो क्या आंदोलन की ये आप जीत मानेंगे? 4 मेंबर की कमेटी बनी है, कानून के अमल पर रोक लगा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, इसमें हार और जीत का सवाल नहीं है, जीत तो वही जाए, सरकारी जीत जाए, हमारे ये वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो और सरकारी जीत जाओ, जीत का सेहरा वो अपने सिर ही बांध दो भाई, जीतेगी तो सरकारी, वो वापसी लेगी तो वही तो कहेगी ना, हमने जनता की आवाज को मान लिया, वे आज मान लो, वे फरवरी में मान लो, वे मई में मान लो, मानना सरकार को पड़ेगा।